जनपद उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल यहां वर्णावर्त पर्वत की तलहटी पर रहने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने घर खाली कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से अगर भूस्खलन वाले स्थान से पत्थर गिरने शुरू होते हैं तो बड़ी जनहानि हो सकती है। ऐसे में यहां रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए आपदा सचिव ने निर्देश जारी किया है। अभी तक लगभग 50 परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं, साथ ही इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भवनों में रहने की हिदायत दी गई है। जानकारी के मुताबिक वरुणावर्त पर्वत से हुए भूस्खलन ने 21 साल बाद एक बार फिर लोगों को डरा दिया है और वर्ष 2003 में लगातार हुए भूस्खलन की कड़वी यादों को ताजा कर दिया है। बता दें कि उस दौरान लंबे समय तक वरुणावर्त से भूस्खलन होता रहा। बहरहाल मंगलवार रात काफी देर तक भूस्खलन होने और पत्थर गिरने की घटना से लोग सहम गए हैं। साथ ही ताजा भूस्खलन ने वरुणावर्त पर्वत पर किए गए ट्रीटमेंट कार्यों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। बिल्कुल, देखिए अभी मानक आपदा के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृहमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में अभी काफ़ी मानक बढ़ा दिए हैं, काफ़ी अच्छा खासा पैसा बढ़ा दिया है। तो उस मद में जो भी जिलाधिकारी के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा, जो भी मांग की जाएगी, पैसा हम जितना हमारे पास पैसा है उसमें से हम बंटवारा करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे पास धन राशि उपलब्ध है उसमें रहते हुए, उसकी सीमा में रहते हुए हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कौन सा काम पहले करना है। सारा काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, बट हमारा प्रयास होगा, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है सब जगह हम भरपाई कर सकते हैं। कि बर्नौत में जो लैंडस्लाइड हुआ था, बर्नौत के पास जो गोभियार क्षेत्र में, उसमें अब उसके बाद लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे अभी फिर भी रिस्क है। ऊपर जो मलबा है वो अत्यधिक बारिश में या धूप के आने में भी नीचे आ सकता है, तो उसको देखते हुए जो कल सचिव साहब का भी दौरा हुआ था, उनने भी निरीक्षण किया था, तो उसमें जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इस टाइप की संभावना बढ़ी है उनको अस्थायी रूप से दूसरी जगह पर शिफ्ट किए जाने की भी कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनको नोटिस और जो आवश्यक सहायता है वो भी मानकानुसार दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी, और जो उसमें तात्कालिक मेजर्स लिए जाने हैं सुरक्षा के दृष्टिगत, उसमें भी प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं ताकि उसमें जल्दी से काम हो सके और इनको घटना को कोई नुकसान ना हो, इससे उसको भी हम कैसे भी प्रिवेंट करें इसके लिए बता रहे थे। लगभग 50 परिवार हैं जो चिन्हित किए गए हैं, वो लोग अभी खतरे की जद में हैं। अगर वहाँ कोई भूस्खलन होता है तो लोग उनके घरों पर पत्थर आ सकता है, उनको नोटिस भी जारी किया गया है और आपदा प्रबंधन से उनको एक माह का किराया भी दिया जाएगा पहले, ताकि बरसात खत्म होने के बाद जो है फिर वो पुनः वहाँ आकर के रह सकें।